नमस्ते एवरीबॉडी, दिस इज सर्वेश मुखेना एंड आई वार्मली वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल पवित्र एजुकेशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग WH वर्ड्स। देखिए, हमने पिछली क्लास में कुछ WH वर्ड्स के बारे में चर्चा की थी और उनको कंपैरेटिवली पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं, थोड़ी सी यादें ताजा कर दूं। हमने पढ़ा था कि आपको कौन जानता है उसके कंपेयर करके, हमने दूसरा सेंटेंस पढ़ा था आपको और कौन जानता है, और उसके बाद तीसरा सेंटेंस पढ़ा था हमने आपको और कौन कौन जानता है। यानी थ्री फेजेस में हमने WH वर्ड को सीखा था पहली क्लास में। जिन छात्रों ने पहली क्लास नहीं ली है तो इस क्लास लेने से पहले वो पहली क्लास जरूर लें, उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अब आइए देखिए आगे के WH वर्ड लेते हैं और एक एक को समझने का काम करते हैं। वही तुलनात्मक अध्ययन हम इसमें करेंगे। और अगला हमारा WH वर्ड हमने ले लिया है क्या। क्या ले लिया है? क्या। देखिए भाई, क्या के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कितने प्रकार से हमारे सेंटेंस में आ सकता है, ये बात आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक बात है। आइए, पहले आ सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी बैग के प्रारंभ में क्या आ सकता है। ठीक बात है। ये देखो, क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन का मामला है। मैंने टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है डिटेल में, उसमें इसके बारे में क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन के बारे में बात की है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब ध्यान से समझने की कोशिश करें, जब जो क्या है ये बैक के शुरू में आता है, यानी इन द बिगिनिंग आता है, प्रारंभ में आता है, तो ये क्लोज क्वेश्चन का हिस्सा होता है। ठीक बात है। और क्लोज क्वेश्चन का जब ये हिस्सा होता है तो क्लोज क्वेश्चन को बनाते समय हम HV से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये समझें कि बैक के शुरू में अगर प्रारंभ में क्या आ रहा है तो हमारी जो अंग्रेजी बनेगी वो HV से बनेगी। देखो, मैंने पिछली कक्षा में, इस क्लास में भी सिर्फ केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ही सम्मिलित किया है। प्रत्येक एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया है, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने आपको सिर्फ एक ही टेंस अब तक पढ़ाया है डिटेल से, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस क्लास के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिटेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पूरी डेप्थ तक जाएंगे। अब आइए, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सारे वाक्य हमने यहां लिए हैं। तो क्या आप पैप पर पढ़ते हो? पैप का मतलब है पवित्र एजुकेशन पॉइंट, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इस पैप से याद आया कि अब हमारा क्या है कि एक पैप नाम से ऐप आ गया है, पैप नाम से ऐप भी आ गया है। आप अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हो और डिटेल क्लासेस लेना चाहते हो उस ऐप पर, सेकेंड ग्रेड टीचर बैच, SSC, बैंक, UPSC आदि के जो ग्रामर है उसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। सेकेंड ग्रेड का जो बैच है उसमें ग्रामर, टीचिंग मेथड्स और लिटरेचर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक बात है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको चाहिए वो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, क्या आप पेपर पढ़ते हो? पैप मीन्स पवित्र एजुकेशन पॉइंट। अब यहां ध्यान से देखिए, तो क्या बाइक के प्रारंभ में आ रहा है तो हमने क्या लगाया? डू लगाया। सबसे पहले डू यू रीड ऑन पैप, यानी पवित्र एजुकेशन पॉइंट। ठीक बात है। हमें यहां से WH वर्ड सीखने, सेंटेंस बनाना हम पहले सीख चुके हैं यहां पर YouTube पर। ठीक बात है। तो सबसे पहले अगर क्या आता है तो यह आपको देखना है ध्यान, बहुत से छात्रों को यह कंफ्यूजन रहता है, उसको आप क्लियर करें। यदि बाइक के प्रारंभ में क्या आता है, यदि बैक के प्रारंभ में क्या आता है तो वो क्लोज क्वेश्चन होता है, और क्लोज क्वेश्चन होता है तो वो HV से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखें। अगले सेंटेंस पर आ जाएं, आप पैप पर क्या पढ़ते हो? अब देखो, दूसरी जो कंडीशन है वो है बैक के बीच में क्या का आना, बैक के बीच में क्या का आना। जब ये बैक के बीच में क्या आता है तो ये बैक का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक बात है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब जब बीच में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी प्रारंभ में लगती है, यानी बैक वर्ड से स्टार्ट होता है। इन दोनों वाक्यों में कंपेयर करें कब वर्ड से स्टार्ट होगा, कब वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक बात है। व्हाट डू यू रीड ऑन पवित्र एजुकेशन पॉइंट। ठीक बात है भाई, यहां तक हो गया कहानी अगर आपके क्या आता है। अगला देखें, आप पवित्र एजुकेशन पॉइंट पर क्या क्या पढ़ते हो? ये देखो, उसको बिल्कुल मैंने कंपेयर किया है,
कंपेयर के, ये सेंटेंस किसी भी टेंस में बनाए जा सकते हैं और आगे के टेंसेज जब हम लेंगे तो उनमें भी इनके बारे में बात करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो मैंने बिगिनिंग में क्या लिया, बीच में क्या लिया, अब हमने ले लिया क्या क्या, ठीक है भाई। अगर हम क्या क्या ले लें, यदि बैक में आपके में क्या क्या शब्द आ रहा है, बैक में क्या क्या शब्द आ रहा है, तो अंग्रेजी बनेगी व्हाट ऑल। क्या बनेगी अंग्रेजी? व्हाट ऑल। स्ट्रक्चर व्हाट के समान ही रहेगा। व्हाट ऑल डू यू रीड ऑन पवित्र एजुकेशन पॉइंट, ठीक बात है। व्हाट ऑल डू यू रीड यानी क्या क्या की अंग्रेजी क्या बनने वाली है, व्हाट ऑल से बनने वाली है, ठीक बात है। जैसे देखिए, वह नाश्ता में और क्या क्या खाता है, वह नाश्ता में क्या क्या लेता है, वह नाश्ता में क्या क्या लेता है, व्हाट ऑल डज ही टेक इन हिज ब्रेकफास्ट। कितने ही सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक बात है। आगे देखिए, आप पवित्र एजुकेशन पॉइंट पर और क्या पढ़ते हैं, ये देखिए आप, ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और क्या, पहला क्या इन द बिगिनिंग, दूसरा क्या इन द मिडिल यानी बीच में, इसके बाद क्या क्या, और इसके बाद क्या गया और क्या। आप और क्या, जैसे आप और क्या लोगे, समझ में आ रहा है, टेंस चेंज होगा। हमने यहां केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को सम्मिलित किया है, तो और क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट एल्स होगी। और क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट एल्स होगी, और स्ट्रक्चर सेम रहेगा, व्हाट एल्स डू यू रीड ऑन पवित्र एजुकेशन पॉइंट, ठीक बात है भाई। ये हो गई आपके क्या की बात, क्या कैसे आ सकता है, उसके कंपेरिजन में सारे सेंटेंस हमने यहां बनाने की कोशिश की है। एक क्या की, बीच में क्या आए, ठीक बात है। और देखिए, ये जो क्या है ना, इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, आप थोड़ी और अगर गहराई में जाना चाहते हो तो ये जो क्या है, ये एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है। इसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप डिटेल से इसको पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हो। ये WH वर्ड मैंने सारे करा दिए डिटेल से, ठीक है। यहां इनके एडवांस वर्जन लिए कि एडवांस और आगे क्या हो सकता है। अब अगला हम वर्ड ले लेते हैं कहां, अगला वर्ड ले लिया कहां। वह शाम को कहां जाता है, एक कहां, इधर देखें, वह शाम को कहां जाता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया है, ठीक बात है। वेयर डज ही गो इन द इवनिंग, वेयर डज ही गो इन द इवनिंग, क्या आ रहा है यहां, वेयर आ रहा है, ये देखिए आप, सिंगल कहां आ रहा है, केवल वे, वेयर। दूसरा देखिए, वह शाम को कहां कहां जाता है, यहां देखो कहां कहां आ गया, यानी डबल कहां, ठीक है। जब डबल कहां आएगा तो क्या अंग्रेजी बनेगी, वेयर ऑल, क्या अंग्रेजी बनेगी, वेयर ऑल डज ही गो इन द इवनिंग। और तीसरा इसका भेज क्या है, और कहां, तीसरा क्या है भाई, और कहां, यानी कि वह शाम को और कहां जाता है, तो वेयर एल्स, अंग्रेजी क्या बनेगी, वेयर के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, एल्स का, वेयर एल्स डज ही गो इन द इवनिंग, समझ में आया। ये हो गया वेयर। अब आ जाइए इधर, इंपॉर्टेंट बात है कैसे कैसे, इंपॉर्टेंट क्या है बहुत, कैसे कैसे। अब अगर हम कैसे कैसे की बात करें तो देखो, कैसे कैसे का सेंस दो तरह से निकलता है भाई। एक तो होता है किस तरह के, ये लिखा हुआ है कैसे कैसे, अब इसके दो मीनिंग होंगे, एक तो किस तरह के और एक किस तरह से, ठीक है, यानी प्रोसेस, एक तो प्रोसेस हो गया, एक काइंड हो गया। तो किस तरह के, कैसे कैसे के दो अर्थ हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे का यूज दो प्रकार से होता है, एक तो किस तरह के और एक किस तरह से। किस तरह के, जब आपका सेंस वाक्य में ऐसे हो कि किस तरह के, तो अंग्रेजी तीन प्रकार से बन सकती है, व्हाट काइंड ऑफ, अंग्रेजी तीन प्रकार से बन सकती है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ठीक बात है। और जब बैक में सेंस आपके, आपका जो सेंटेंस है उसमें सेंस निकलता है किस तरह से, किस तरह से, अंग्रेजी क्या बनेगी, हाउ बनेगी, समझ में आया। आप देखिए, अब इस गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, कैसे कैसे शब्द आ गया, ठीक है, डबल आ रहा है कैसे कैसे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह की या किस तरह के, तो हम बात कर रहे हैं किस तरह के। जब हम बात कर रहे हैं किस तरह के, तो अंग्रेजी क्या बनेगी, व्हाट टाइप ऑफ,
ठीक बात है। तो कैसे बनेगा अंग्रेजी, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन दिस प्लेस। अब यहां आपके मस्तिष्क में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा इफ यू आर रियल स्टूडेंट कि यहाँ की हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली गई सर, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन बन गया। ये देखो क्वेश्चन है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वेयर हेल्पिंग वर्ब, वेयर इज हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन क्या है, वेयर इज हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज एच बी यानी इस वर्ब की एच बी कहाँ चली गई, इसका मैंने डिटेल से पढ़ाया है, सबोका का नियम पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो डिटेल से क्लासेज है आप उनमें जाके देखिए, इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए एक तो सरफेस की नॉलेज है, डीप नॉलेज की कहानी है, तो बिल्कुल डीप जानना है कि एचबी आखिर जाती कहां है, ठीक बात है। तो उसके लिए आप, मैं लिंक डालूंगा, उस पर आप पढ़ सकते हैं कि एचबी कहां जाती है, पूरा नियम समझाया गया है। इसके बाद देखिए आप कॉलेज कैसे कैसे जाते हैं, यहां कैसे कैसे यानी किस तरह के, ठीक बात है। अब दूसरा वाक्य क्या है, आप कॉलेज कैसे जाते हो, देखो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आप कॉलेज कैसे जाते हो, ठीक बात है। दूसरा ले लिया आप कॉलेज कैसे कैसे जाते हो, अब कैसे कैसे की जब ये किस तरह से के अर्थ में यूज होगा, समझने की कोशिश करें, जब किस तरह से, तो इस वाक्य में क्या है आप कॉलेज कैसे जाते हो, तो आप किस तरह के तो कहना चाहते नहीं हो, क्या कहना चाहते हो, किस तरह से जाते हो। तो पहली बात तो इसकी अंग्रेजी हाउ हाउ नहीं लगेगी, ठीक बात है। दूसरी इस बात क्या है, इसकी अंग्रेजी हाउ ऑल भी नहीं लगेगी, केवल हाउ लगेगी, केवल क्या लगे, सिंगल कैसे आए तो भी हाउ, कैसे कैसे आए, किस मीनिंग में, किस तरह से, किस तरह से के मीनिंग में कैसे कैसे आए तो भी अंग्रेजी क्या लगेगी, हाउ लगेगी। अब देखें आप कॉलेज कैसे जाते हो या कैसे कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, एक ही बार आएगा, एक ही बार क्या आएगा, हाउ आएगा, समझ में आ रहा, हाउ ऑल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात आप और कैसे, ये देखो अगला वर्ड हमारे पास क्या आ गया, और कैसे, अगला वर्ड कौन सा आ गया, और कैसे। जब और कैसे की बात करेंगे, जब किसकी बात करते हैं, और कैसे, तो अंग्रेजी क्या होगी, हाउ एल्स होगी, अंग्रेजी क्या होगी, हाउ एल्स होगी, हाउ एल्स डू यू गो टू कॉलेज, तुम और कैसे कॉलेज जाते हो, ठीक बात है। वह और कैसे कपड़े खरीदती है, ठीक बात है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे तो वो किससे बन जाएंगे, और कैसे वाले, हाउ एल्स से बन जाएंगे। इसमें आई रिपीट माय वर्ड्स, एक तो हाउ हाउ का प्रयोग नहीं करना है जब आप किस तरह से के लिए अर्थ में यूज कर रहे हैं, दूसरा हाउ ऑल का प्रयोग भी नहीं करना है। इधर आ जाइए कब, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह मंदिर कब जाता है, एक कब आ गया हमारे सामने, वह मंदिर कब जाता है, कब जाता है, when does he go to temple, वह मंदिर कब जाता है, एक बात हो गई। वह मंदिर और कब जाता है, या देखो और कब आ गया, मैंने comparative sentence लिए हैं सिंगल डबल और के साथ, आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो वह मंदिर और कब जाता है, तो और कब जैसे आया तो when else आ गया, और कब की अंग्रेजी क्या आ गई, when else आ गई, when else does he go to temple, ठीक बात है। चलिए भाई वह मंदिर कब कब जाता है, अब एक और आ गया हमारा कब कब जाता है, कब कब जाता है, अब कब कब आ गया तो हमें when all नहीं लगाना, when all का प्रयोग नहीं करना, कब कब अंग्रेजी का मतलब है कितनी बार, कितनी बार, जब हम कहते हैं कब कब, वह कब कब पढ़ने जाता है, वह कब कब किताब खरीदता है, वह कब कब मार्केट जाता है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में कि कितनी बार, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी कब कब की विशिष्ट ध्यान रखनी है, कब कब की when all का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कब कब की अंग्रेजी बनेगी how often, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक बात है। क्या करना है, how often का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, हाउ ऑफन का प्रयोग करना है। तो हाउ ऑफन डज ही गो टू टेम्पल, ये हो गया। इसके बाद अगला वर्ड है क्यों, अब क्यों के दो यूज है, वह यहां क्यों आता है, एक तो सामान्य सेंटेंस हो गया क्यों आता है, व्हाई डज ही कम हियर सामान्य हो गया। इसके बाद देखिए वह यहां और किस लिए आता है, ये देखो और किस लिए आता है,
इसमें वो रीजन पूछना चाहता है, कारण, और ये शब्द इस प्रकार से क्या आता है, और किस लिए। जब और किस लिए, यहां देखो क्यों नहीं आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां क्यों नहीं आया है, क्यों का प्रयोग हुआ ही नहीं है, वो है यहां और किस लिए आता है। जब और किस लिए शब्द का प्रयोग हो तो आपको कैसे अंग्रेजी बनानी है, वाई एल्स। कैसे अंग्रेजी बनानी है, वाई एल्स। कैसे अंग्रेजी बनानी है, वाई एल्स का प्रयोग करना है, और वाई एल्स का प्रयोग करके अंग्रेजी बनानी है, वाई एल्स डज ही कम हेयर। ओके, ये था तीनों, ये इन सारे डब्ल्यू एच वर्ड का कंपैरिजन के हिसाब से तुलनात्मक हमने अध्ययन किया इनका। इनको डिटेल से एक एक करके मैंने पहली कक्षाओं में पढ़ा दिया है, यहाँ केवल हम उनके एडवांस ले रहे हैं, क्योंकि और अतिरिक्त क्या होता है बस इसकी चर्चाएं कर रहे हैं। ओके, एक सूचना है, सूचना यह है कि पवित्र एजुकेशन पॉइंट का, मैंने पहले भी दी थी, दोबारा से दे देते हैं, पवित्र एजुकेशन पॉइंट का ऐप आ गया है, और उस ऐप पर सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड रीट मेंस, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक आदि के लिए डिटेल्ड क्लास, कॉम्पिटिटिव क्लास आपको अवेलेबल है। ठीक बात है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हो। थैंक यू।